see the center camera. Okay. 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 First of all, जो आपकी फिल्म आने वाली है अर्जुन पटियाला उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से. थैंक यू, धन्यवाद. थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का किरदार है और ऑडियंस आपको कौन से अवतार में देखने वाली है इस फिल्म? पहले ऑडियंस ने मुझे महादेव में देखा, पॉजिटिव में. तो अब तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिवर्स, विच इज़ आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव. ग्रे शेड है मेरा और आपको मैं विलन के रूप में नज़र आऊँगा. मेरे करेक्टर का नाम है बलदेव राणा, जो कि एक गुंडा है, गून है. तो काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी गुस्सा देखने को मिलेगा, जो कि एक नई चीज़ है. Right. तो प्रिपरेशन में क्या कुछ करना पड़ा? जैसे आपने कहा कि पहले पॉजिटिव भी निभाया था और अब नेगेटिव है, वो छोटा पर्दा था, अब ये बड़ा पर्दा है. जी, क्या डिफरेंस महसूस करते हो और क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा इसके बाद? देखिए, पॉजिटिव में तो व्हेन आई वाज प्लेइंग महादेव, तो पॉजिटिव में तो ये था कि आप कैरेक्टर के साथ ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर सकते. तो एक महादेव का एक लुक होता था कि जिसमें आपने सिर्फ एक स्माइल रखनी है चेहरे पे और बिल्कुल काम और बिल्कुल शांति तरीके से आपने बोलना है. लेकिन दिस कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट. तो इसमें आप थोड़ा खेल सकते हो, आप गुस्सा दिखा सकते हो, आप ओवर द टॉप जा सकते हो, जो कि काफ़ी मज़ा आया करने में. एक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्शन में बहुत मज़ा आया करने में. और द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज़ के हमारे दिलजीत पाजी और वरुण, हम साथ में होते थे, रोहित जी साथ में होते थे. तो इतना ज़्यादा कॉमेडी सीन होता था सेट पे कि आई एम दी ओनली कैरेक्टर, से मेरा कैरेक्टर ऐसा जो कि मूवी में सीरियस है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे फनी हैं. तो जब मैं अपना रोल प्ले कर रहा होता था तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मुश्किल था कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाऊँ. मैं सीरियस कैरेक्टर और बीच में कभी ना कभी हंसी छूट जाती थी क्योंकि अब सामने दिलजीत पाजी खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, तो वो ही मुश्किल पार्ट था. बट अदरवाइज बहुत मज़ा आया मूवी का. जी, एक तो पहले मुझे जब पता चला कि डेफिनेटली मैडॉक के साथ है एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद मैडॉक्स, फिर दिलजीत पाजी है, वरुण पाजी हैं, तो उनके साथ तो पता ही था कि सेट में बहुत मज़ा आने वाला है. तो फिर मुलाकात हुई, हमारी मीटिंग हुई, रोहित जी के साथ बैठा एंड डेफिनेटली आई वॉन्टेड टू प्ले समथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव. मुझे बहुत मज़ा आता है नेगेटिव करेक्टर प्ले करने में, क्योंकि यू कैन प्ले अराउंड, आप खेल सकते हो. बाकी इट्स ऑल अबाउट द टीम कॉम्बिनेशन ऑफ मैडॉक एंड दिलजीत एंड वरुण एंड कृति एंड एवरीवन, डेफिनेटली विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द रोल. तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही सीरियस किरदार है, बहुत कम ऑडियंस आपको जानती होगी, थोड़ा सा अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को बताया कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या कुछ करना पसंद करते हैं? देखिए, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जो आप मुझे मूवी में देखेंगे, सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा. और रियल लाइफ में जैसे पॉजिटिव में जो मैं महादेव प्ले करता था वैसा भी नहीं हूँ. तो मैं रियल लाइफ में आई ट्राई टू बी पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ. छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे. मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी फिटनेस रेजीम है उसको मैं डेली बरकरार रखूँ. स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी और ट्रैवल करना बहुत पसंद है मुझे. तो कभी भी शूटिंग से मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आई मेक श्योर कि कभी मैं ट्रैवल करूँ, मैं मुंबई से बाहर निकलूँ या कभी देश से बाहर निकलूँ. मतलब बहुत मज़ा आता है कि नए नए लोगों से मिलना, नया नया खाना खाना. खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ. तो जी, अच्छा, फिटनेस वाइज भी आप काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और एक्शन भी करने वाले, तो कौन इंस्पायर करता है इफ यू टॉक अबाउट एक्शन एंड फिटनेस? अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ, मैं असल में नेक्स्ट टाइम कुर्ता मैं कुर्ता पजामा पहन के आऊँगा ताकि कुछ दिखे ना. तो जी, as for all of us, you know, the inspiration was or probably still Arnold Schwarzenegger is there. Aur hamare Bollywood mein of course Salman bhai to hai, unko dekh dekh ke hum bade hue hain, unko dekh dekh ke humne sikha hai body banana. To ji, ye do hain jinko dekh dekh ke aaj jo bhi hum hain unhi ki badolat hai. Aapki journey ki agar baat kare, Mr. India Universe se lekar yahan tak kaisi journey rahi? देखिए, जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी लेकिन दिलचस्प थी, बहुत मज़ा भी आया. क्योंकि मिस्टर इंडिया यूनिवर्स, व्हेन आई वाज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस्टर यूनिवर्स, तो 45 कंट्रीज थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी. लेकिन आई वाज हैप्पी कि मुझे आई केम इन टॉप 12 और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का मुझे जो खिताब था वो मिला. तो उसके बाद जब वापसी आया तो देश ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहना हुई
और फिर उसके बाद मुझे नई पॉसिबिलिटीज वो नज़र आई, वो मैंने उसकी तरफ में गया, तो विच इज़ ऑल्सो अर्जुन पटियाला इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। फिर एक आगे नई मूवी आ रही है विच इज़ अगेन रिलीजिंग इन अक्टूबर। तो जी काफ़ी कुछ है जो आगे आ रहा है जो कि मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। ऐसा कोई ड्रीम जॉनर है जिसमें आगे आप काम करना चाहें? क्योंकि अभी तो इसमें एक्शन से शुरुआत की है आपने फिल्म में, जी, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा कोई ड्रीम जॉनर हो जिसमें आप काम करना चाहें? जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आई वुड लव टू वर्क विद ऑफकोर्स सलमान भाई, शाहरुख भाई और नन अदर देन अमिताभ सर। मतलब उनके साथ अगर काम करने का मौका मिल जाए तो बस मतलब लगता है कि आप स्क्रीन भी शेयर करने को मिल जाए उनके साथ तो बस हो गया, अपना मोटिव पूरा हो गया। बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब कोई भी मूवी आप पकड़ लीजिए अमिताभ जी की, कोई भी पुरानी मूवी पकड़ लीजिए, तो उनका वही सेम अग्निपथ ऑफकोर्स ऋतिक ने प्ले करी, और यू नो दे वॉज डॉन ऑल्सो, बट एनी मूवी यू से वेदर यू से कालिया और प्रॉब्ली दीवार और कुली ऑफकोर्स, तो उनमें से अगर कोई एक किरदार मुझे मिल जाए अमिताभ जी का करने के लिए तो उसका अगर मैंने 1% भी अगर मैं कर दूँ तो बिल्ले बहुत बड़ी बात है। वो किसी के साथ में अगर अर्जुन पटेल की बात करिए तो कैसा एक्सपीरियंस था दिलजीत पाजी के साथ में काम करने का, कृति विनय के अंदर? ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हम मॉर्निंग में सेट पे पहुँचते थे तो दिलजीत पाजी और मेरे मोस्टली जो सीन्स हैं वो दिलजीत और वरुण पाजी के साथ हैं, तो हम जब सेट पे पहुँचते तो बहुत ज़्यादा मजाक होता था। तो फॉर मी स्पेसिफिकली इतना मुश्किल होता था क्योंकि मेरा मेरा मुझे कैरेक्टर में रहना होता था कि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, मतलब ए दूर हो जा स्ट्रिक्ट, और जब सामने दिलजीत पाजी खड़े हैं वरुण खड़ा है तो फिर उसके सामने आपकी हंसी कंट्रोल करना, दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, पर बहुत मज़ा आया। एंड स्पेशली अबाउट द डायरेक्टर रोहित जी, ही मेक्स यू फील सो कम्फर्टेबल, वो आपको इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल कर देते हैं कि आपको लगेगा आप एक डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, आपका एक दोस्त है, तो बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। अच्छा, आपने मॉडलिंग की है और उसके बाद एक्टिंग की, तो क्या एक्टिंग पहले से ही ध्यान में थी एक्टिंग करनी है, या फिर मतलब मॉडलिंग के बाद आपने सोचा, या फिर एक्टिंग को लेकर आपका इंस्पिरेशन कौन? जी देखिए, एक्टिंग का जो कीड़ा जो होता है ना तो वो बचपन से ही होता है, वो बाद में आता नहीं है, तो कीड़ा तो बचपन से ही था, लेकिन ये था कि मॉडलिंग वॉज अ स्टेपिंग स्टोन। मुझे पता था कि मॉडलिंग ठीक है मैं एक हद तक कर सकता हूँ एंड आई इन्जॉयड ऑल्सो, बट लेकिन एंड ऑफ द डे आई वॉन्टेड टू गेट इन टू एक्टिंग। तो आई रिमेंबर, मतलब जब मैं अमिताभ जी की मूवी देखता था, कुली और अग्निपथ एंड दीवार, और अब आज भी देखता हूँ, तो तब मुझे लगता था, मैंने कहा यार मतलब क्या मज़ा आता, बिकॉज आप अब एक्टिंग इज़ दी ओनली थिंग जहाँ आप अपने आप को भूल जाते हो और आप हर बार एक नए करेक्टर में आप नज़र आते हो, तो इट्स अमेजिंग थिंग। अभी बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज हैं ऑलरेडी दिलजीत पाजी के साथ तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है रणबीर है, वरुण है, रणबीर है, जी, तो इसमें से आपको मतलब कौन सबसे फेवरेट है या फिर जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? जी काम करने की इच्छा तो मेरी सबके साथ है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, चाहे रणबीर सिंह हो गया, ऑफकोर्स रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण, टाइगर, ऑफकोर्स दीज गाइज आर अमेजिंग, तो एंड जॉन ऑफकोर्स डेफिनेटली, इनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि नेपोटिज्म है, बॉलीवुड ने आपको किस तरह से एक्सेप्ट किया है, क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया? नहीं देखिए, ऐसा कुछ मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया। मैं हर किसी का अपना एक रिव्यू है, मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ नेपोटिज्म के बारे में कि सी आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी फैमिली, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन अगर आपका हो भी तो क्या होता है, अगर आप उस फैमिली से भी हो तो आपको एक पुश मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। कितने बॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो सुपर स्टार्स निकले, बट लेकिन जो उनके बेटे हैं वो उतना मार्क नहीं छोड़ पाए जो उनके पेरेंट्स ने छोड़ा था। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर आप किसी के बेटे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको और प्रूव करना है, नहीं अदरवाइज आपको लोग ताने दे के, यार यार तुम्हारे बाप तो सुपर स्टार थे, अब तुम क्या हो गए, देन यू हैव टू प्रूव मोर। तो आई थिंक इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर देम देन फॉर पीपल लाइक अस। तो आई थिंक मैं मुझे लगता नहीं है कि नेपोटिज्म इतना ज़्यादा होता है, एग्जिस्ट करता है। जी
मेरी निखिल अडवाणी प्रोडक्शंस जी के साथ मूवी आ रही है विच इज़ कॉल्ड मर जावा, तो उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रितेश देशमुख है, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स मिलाप जावेरी इज देयर. तो अगेन आई एम प्लेइंग द नेगेटिव इन दैट. तो यस, इट वाज वेरी गुड वर्किंग विद ऑल दोस पीपल. ओके, लास्टली अर्जुन पटियाला बहुत ही जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों आना चाहिए फिल्म देखने के लिए? देखिए, पहली बात अफकोर्स दिलजीत पाजी, वरुण, यू नो वरुण का तो मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ, आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन द फ्लाइट, तो वरुण की मैंने मूवी देखी थी फुकरे, यू नो वॉट कॉमेडी टाइमिंग दैट गाय हैज़. तो वरुण जहाँ खड़ा हो जाता है तो वहाँ पे तो आपको पिक्चर देखनी देखनी है, और साथ में अफकोर्स दिलजीत पाजी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो अफकोर्स दिस कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो देयर. गाने बहुत अच्छे हैं और आपका फेवरेट मैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.